हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, मैथ का स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है? वर्ग का मीनिंग होता है स्वयं का स्वयं से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, खुद का खुद से, जैसे a इंटू a क्या हो गया? ए स्क्वायर। तो स्वयं का स्वयं से मल्टीप्लाई करना ही वर्ग कहलाता है। तो हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे आज। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एग्ज़ाम को लेके, और हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज हम पढ़ते हैं वर्ग। तो एक बात तो ये कि आपको एक से लेके 10 तक वर्ग ज़रूर याद होना चाहिए, ये तो बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो ये आपको आज से ही आप लोग इनको लर्न करना अच्छे से। उसके बाद जो भी है मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सारे बताऊँगी। तो जैसे जैसे अपने लिया 50, 50 से कम जो भी वर्ग है, 50 से कम 43 का स्क्वायर। ठीक है, तो 43 का स्क्वायर वही अपन ने किसको बेस, सबसे पहले किसको गोल्डन नंबर माना था? 25 को। ठीक है, और अपन ये सारे 50 से कम वाले कर रहे हैं। तो 50 में से 43 कितना कम है? तो 50 माइनस 43 करे तो कितना आया? 7। ठीक है, 50 में से 43 माइनस किया तो 7 आ गया। 7 का अपन वर्ग कर देंगे कि कितना हो जाएगा? 49। फिर अपन ने गोल्डन नंबर क्या माना? 25। 25 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 18। तो ये 1849 क्या हो गया? 43 का स्क्वायर हो गया। 43 का स्क्वायर कितना हो गया? 1849। ऐसे ही अपन नेक्स्ट देखते हैं। जैसे 45 ले लिया अपन ने, वही सबसे पहले 50 में से कितना कम है? 45। 50 माइनस 45। ठीक है, तो 50 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आ गया। 5 का अपन वर्क कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 25। ठीक है, अब अपन को 25 अपन ने बेस मान रखा है, तो 25 में से अपन 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 20। तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, तो ये क्या आ गया? 45 का स्क्वायर आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले 45 का स्क्वायर करने के लिए अपन ने 50 में से इसको माइनस किया तो 5 आ गया। 5 का अपन ने स्क्वायर कर दिया तो 25 आ गया। फिर इस 25 जो अपन ने 25 नंबर मान रखा है गोल्डन, उसमें से अपन को 5 माइनस करना है तो 20 आ गया। बस डायरेक्ट निकल गया अपने 20। 25 किसका हो गया? 45 का। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन देखते हैं 38। तो 38 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे अपन? 38 का, तो 38 का स्क्वायर निकालने के लिए वही सबसे पहले 50 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50 माइनस 38 कितना आया? 12 आ गया। ठीक है, तो 50 में से 38 माइनस किया तो 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144। ठीक है, फिर अपन ने 25 गोल्डन नंबर मान रखा था, तो 25 में से 12 माइनस करे तो कितना आया? 2। ठीक है, तो 25 में से 12 माइनस किया तो कितना आ गया? 13। तो ये तो हो गया 13 और ये हो गया 144। तो यहाँ पे 44 तो ऐसे कैसे लिख देंगे अपन, और इस 1 को अपन को 13 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 14। तो 1444 किसका वर्ग हो गया? 38 का। ठीक है, तो इसमें जो 3, ये 3 डिजिट वाला है, एक डिजिट इसमें ऐड कर देता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है अपने 32। तो 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? वही सबसे पहले 50 में से कितना कम है 32? 12। ठीक है, तो 32 का स्क्वायर 50 में से 32 माइनस किया तो कितना बचा? 18। ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। तो 18 का स्क्वायर कितना हो गया? 324। अपन ने यहाँ लिख दिया 324। फिर अपन ने 25 को गोल्डन नंबर मान रखा था, तो 25 में से अपन 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7। तो 7 यहाँ लिख दिया। फिर 24 ऐसे कैसे आ जाएगा, और 3 को इसमें अपन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 3 10। तो 10 24, 1024 किसका स्क्वायर हो गया? 32 का। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट 31। 31 का स्क्वायर कितना होगा? तो सबसे पहले वही 50 में से 31 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। ठीक है, 361 कितना हो गया? 19 का स्क्वायर हो गया। वो 25 में से अपन 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा?
तो 6 कितना हो जाएगा, 25, 25 में से 19 गए तो 6 आ गया, ठीक है। तो 6 यहाँ लिख दिया, 3, 6, 1, तो ये दोनों ऐसे कैसे लिख दिया अपन ने, और 3 को 6 में ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा 9। तो 9, 6, 1 मतलब 961 किसका वर्ग हो गया, 31 का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने 50 में से माइनस किया, 19 आ गया, 19 का स्क्वायर किया 361 आ गया 361। फिर 25 में से 19 माइनस किया तो 6 आ गया, फिर 6 को अपन ऐसे कैसे लिख दिया, इसमें 3 में ऐड करा तो 961 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा यहाँ पे 4 डिजिट है, तो मैं यहाँ पे 8 क्यों कर रही हूँ, मैं इस ये बता रही हूँ आपको 8 क्यों कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो आपने भी देखा होगा 32 से जितने भी नीचे के स्क्वायर हैं, तो उनके जितने भी वो आएंगे स्क्वायर में डिजिट, जितने भी डिजिट आएंगे वो सब 3 नंबर में आएंगे, ठीक है। या तो 3 नंबर में आएंगे, या 2 में आएंगे, या 1 में आएंगे। 3 मतलब 32 से नीचे जितने भी नंबर है वो या तो 3 डिजिट के या 2 के 1 डिजिट का होगा, ठीक है। तो इसका ये रीज़न। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं अपन मोर देन 50 मतलब 50 से ज़्यादा वाले नंबर का अपन वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फटाफट वर्ग किसे निकालते हैं 50 से ज़्यादा वाले का। सबसे पहले वही अपन ने 25 को गोल्डन नंबर मान रखा है, ठीक है। तो अपन ने जैसे 51 लिया, 51 का स्क्वायर अपन कैसे निकालेंगे, तो 50 से 51 कितना ज़्यादा है, 1, कितना ज़्यादा है 1, तो 1 का अपन ने स्क्वायर कर दिया तो 0, 1, ठीक है। कभी भी एक नंबर नहीं लिखते, उसके आगे 0 लगाते, मतलब 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। फिर इसके बाद है 25, 51 में से 25, ओके तो सॉरी ये ऐसे नहीं था, 55 है, 55 में अपन 1, सॉरी ये 25 है। अब 25 में अपन कितना ज़्यादा था 1, तो 1 को अपन 25 में ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 26, तो 2601 क्या हो गया, 51 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, अपन दूसरा देखते हैं 58। अब 58 का स्क्वायर देखेंगे, ठीक है। 58 का स्क्वायर करेंगे वही, सबसे पहले 50 से कितना ज़्यादा है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का वर्ग 64, ठीक है। अब वही अपन ने 25, तो 25 में अपन 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, तो सॉरी ये 25 है, 25 में अपन 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा 33 और 64, 3364 किसका वर्ग हो गया, 58 का, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, 50 में से कितना ज़्यादा है ये 8 ज़्यादा, 8 का स्क्वायर कर दिया तो 64 आ गया, फिर 25 में 8 का ऐड कर दिया 33 आ गया, 33, 64 इसका स्क्वायर हो गया। अब अपन देखते हैं 62 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 62 का, तो ये 50 में से कितना ज़्यादा है, 50 से वही 50 में से कितना ज़्यादा है 62, तो कितना है 12, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, ठीक है। 144, 25 अपन ने मान ही रखा है गोल्डन नंबर, 25 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 37, ठीक है। तो 37 और 144, अभी मैंने अपन ने पहले ऐड किया था, तो 44 ऐसे कैसे लिख देंगे और 37 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38, तो 3844 क्या हो गया 62 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अब आपको एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ, उस फॉर्मूले से आप कोई सा भी वर्ग निकाल सकते हो, शायद वो कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, ठीक है। तो जैसे अपने एक फॉर्मूला है ए बी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कैसे होगा, ए स्क्वायर ओब्लिक 2ab ओब्लिक बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर 2ab स्क्वायर, इस फॉर्मूले के बेस पे आप कोई सा भी वर्ग निकाल सकते हो। तो जैसे अपन कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 54 का स्क्वायर निकालना है इसमें, तो सबसे पहले इसको अपन ने ए मान लिया, 5 को ए माना और 4 को क्या मान लिया, बी मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले वही बी का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया, 2 × 5 × 4 लिख दिया यहाँ पे, एक ही जगह 5 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया 25, इनको मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया 40 और ये हो गया 16, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी ये हो गया अपने सामने, फिर इसके बाद अपन करेंगे ये 6 एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे ऐसे कैसे, फिर 1 को 0 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,
फिर इस 4 को अपन 25 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29। तो 29/16 किसका वर्ग हो गया, 54 का। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे अपन ने 23 ले लिया, तो इसी फॉर्मूले के बेस पे करेंगे अपन। यहाँ पे ए तो क्या हो गया 2 और बी क्या हो गया 3। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था अपने पास, ए स्क्वायर ओब्लिक 2ab ओब्लिक बी स्क्वायर। तो ए क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, और फिर ये 2 into 3, और बी क्या है 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4, ये कितना हो गया 12, और ये हो गया 9। ठीक है, 9 ऐसे कैसे अपन ने लिख दिया। ठीक है, और ये 12 में 4 ऐड कर दिया। फिर 2 ऐसे कैसे लिख दिया अपने, ये वाला नंबर ऐसे कैसे लिखेंगे, और ये 1 इसमें ऐड कर देंगे 4 में, तो कितना हो जाएगा 5। तो 529, 23 का स्क्वायर कितना हो गया 529। और एक ट्रिक हो रहा है आपके लिए, बहुत नई ट्रिक है, तो बड़ी मुश्किल से बनाई है। जैसे अपन को 100 के नीचे वाले नंबर्स का निकालना है, तो सबसे पहले अपन ने जैसे 99 का अपन को वर्ग निकालना है। 99 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि 100 में से 99 कितना कम है, तो 1 कम है, पर अपन 1 और कम कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 2। 1 कम है पर 1 और कम कर दिया तो 2 कम हो गए। ठीक है, तो कितना हो गया 98। 2 कम करा 100 में से, तो कितना हो गया 98। अब 98 को अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया ये 9800। ठीक है, 9800 हो गया। अब यहाँ पे जो 1 कम था, इस 1 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 9801। ये 99 का स्क्वायर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके कुछ स्क्वायर है। तो आप, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना, और एक बार इन पे निकाल के देखना, आपके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होंगे। थैंक यू सो मच।